सभी को सलाम, सभी को नमस्ते। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और मैं बहराइच से निकल रहा हूँ गोरखपुर के लिए। गोरखपुर से फिर देवरिया जाऊँगा मैं, जहाँ है मेरा गांव, मेरा घर, और आपको अपने घर का टूर कराऊँगा। यहाँ से गोरखपुर देवरिया तक जाने में मुझे कम से कम 6 घंटे लगेंगे, तो शाम हो जाएगी। यहाँ पर दिन भी जल्दी ढलता है ठंडी की वजह से, तो विंटर सीज़न है तो दिन जल्दी ढल जाता है। तो आपको मिलता हूँ वहाँ पर शाम को। अगर रास्ते में तो ऐसे कोई दिखाने जैसी चीज़ें होगी नहीं, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप चलूँगा। तो आपको शाम को मिलता हूँ अपने गांव में। अभी हो रहे शाम के कुछ 7 बज गए और ये देखिए गाड़ी आ गई है। गाड़ियों पे हाईवे पे चलने की वजह से ये देखिए गाड़ियों पे मच्छर कितने चिपक गए हैं। ये देखिए ये सब ये जो सब दिख रहे हैं, ये सब जो दिख रहा है सब मच्छर है, सब मच्छर है। पूरा नंबर प्लेट के ऊपर भी वही है। तो भाई लोग MH-47 गोरखपुर में आ चुकी है। ये अपनी MH-47 ब्रेजा, ये है बाहर का लुक नीचे से। आपको अपने घर को वाइड एंगल में दिखाता हूँ। ये यहाँ पे जो मशीन लगी है इसमें धान कुटा रहा है चावल का। ये रोड जो बाहर चौराहे से हमारे अंदर आती गांव के अंदर, ये है देखिए मेरा घर। इसका साइड व्यू आपको देता हूँ, ये बहुत बड़ा है। ये देखिए ये पूरा फ्रेम है घर यहाँ पर। कम से कम 10,000 स्क्वायर फुट का घर है, ये बहुत बड़ा है। सो फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ अभी देवरिया मेन मार्केट में, वहाँ पे थोड़ा कुछ शॉपिंग करना है। अपने गांव के बाहर निकलने का आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे गांव का व्यू, पतले रास्ते खेतों से गुजरते हुए। ये पुराना बांस का जगह, बांस के पेड़ है ये। हम लोग बचपन से बहुत डरते थे यहाँ आने में, बोलते थे कि इसमें चुड़ैल रहती है, बट इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये देखिए पूरा गांव का व्यू है, ये कितना खूबसूरत रास्ता। ये देखिए एकदम ऑर्गेनिक, हर चीज ऑर्गेनिक मिलेगी आपको यहाँ पर। ये देखिए सब सरसों ही सरसों यहाँ पे लगे हुए हैं, पीला पीला आपको पूरा दिखेगा, सब सरसों ही सरसों है। ये देखिए और ये जो बाकी का जो दिख रहा है ये पूरा गेहूं है। ये देखिए पूरा गेहूं है। ये देखिए सब नए नए घर यहाँ पर बन गए। पहले आज से 10-12 साल पहले ले लिए तो सही गांव में घुसने के बाद सबसे पहला घर हमारा ही था, लेकिन अब सब अपने अपनी जमीनों को बनवा खाली करके, खेतों को खाली करके अपने सबने अपना घर बना लिया। ये देखिए इतना प्यारा व्यू है। ये देखिए सरसों, एक लेक यहाँ पे भी है तालाब, इसमें भी काफी मछलियां निकाली जाती हैं। और एक ये घर के पीछे जो तालाब है उसमें मछलियां भी निकाली गई हैं, पूरा खाली हुआ है वो। ये देखिए व्यू, ये मेरे पूरे गांव का टूर है। आसपास के जितने गांव हैं सबसे खूबसूरत और सबसे अट्रैक्टिव गांव यही है। बहुत प्यारा है यहाँ की वाइब भी अलग होती है। अब मुंबई की लाइफ सिर्फ कंक्रीट जंगल है वो। ये देखिए अब यहाँ से हमको घूमना है राइट में, लेफ्ट में जो रास्ता चला जाता है वो सीधा आसाम रोड है, और हमको घूमना है यहाँ पे राइट में देवरिया मार्केट जाने के लिए। ये है हमारे गांव का चौराहा। हम लोग भाई लोग और मामा लोग जब भी जमा होते थे सब यहाँ पर ही एक साथ आते थे और यहाँ पर ही खाना पीना नाश्ता पानी करते थे। तो बचपन की काफ़ी यादें जुड़ी हुई है इस जगह से मेरी, और बहुत अट्रैक्ट करता है ये जगह। लेकिन काम में इतने मसरूफ़ है हम लोग, इतने बिजी हैं कि हम लोगों को यहाँ आना 2 साल 3 साल साल भर ऐसे आना होता है। ये देखिए फाइनली हम लोग देवरिया सिटी में पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये ब्रिज है,
ये पूरा देखिए पूरा कंक्रीट है। यहाँ पे आपको खेत वगैरह कुछ नहीं नजर आएगा। और आगे से यहाँ से लेफ्ट की तरफ देवरिया स्टेशन है, बड़ा जंक्शन स्टेशन है ये, तो ट्रैक वगैरह भी इधर से दिखती है। और इस तरफ पूरी सिटी है, और आगे आप सीधे चले जाएंगे तो यहाँ का सिटी सेंटर, ये जो मेन मार्केट है वो यहाँ पर है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क तो ये रहता है कि यहाँ पे पार्किंग हमको ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ भी ये है देवरिया की मेन मार्केट है हम लोग इस वक्त। अब यहाँ पे लोगों के रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पर भी आपको दिखाते हैं, यहाँ पर भी लोगों के रिएक्शन आपको दिखाता हूँ। ये देवरिया की मेन मार्केट है, उत्तर प्रदेश देवरिया UP 52। भाई गांव, कोई भी गांव अब गांव जैसा नहीं रह गया है, अब बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, हर जगह बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। हमें जाना है आगे से लेफ्ट में। लेकिन भाई ये डिसिप्लिन नहीं है, कोई भी ड्राइविंग की मैंने देखा है डिसिप्लिन नहीं है, खास तौर में यूपी के अंदर तो बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। मैं काठमांडू में था, वहां पे एक इंसान आपको हॉर्न बजाता नहीं नजर आएगा, एक भी इंसान आपको हॉर्न बजाता नजर नहीं आएगा। यहाँ तो भाई साहब कोई चीज का डिसिप्लिन नहीं है। ये रेलवे स्टेशन है देवरिया का, ये देखिए। तो यहाँ पे रास्ते में हम लोग वापस घर पे आ रहे हैं, तो एक जगह है यहाँ पे मवाडी नाम का एक जगह है, तो वहाँ पर ही थोड़ा चाय वाय नाश्ते के लिए रुका था। तो ये गोभी का भजिया है, ये गोभी का भजिया है। ये देखिए एकदम बेस्ट क्वालिटी है, एकदम बेस्ट क्वालिटी एनर्जी कुल्लड़ वाली चाय है। फटाफट फिनिश करते हैं और घर की ओर चलते हैं। दिखा रहा हूँ, ये हमारे खानदान का ही ये तालाब है, हमारे खानदान का ही तालाब है। ठीक है, इसमें पूरी मछली की पालन होता है इसके अंदर, और वो सामने अभी खाली हुआ था, मछली छानी गई थी, वो पूरा पानी इसके अंदर डाला जा रहा है, फिर से मछली इसमें जमा होगी। बाकी ये देखिए मेरा गांव। तो ये देखिए इतनी शॉपिंग करके आए हैं, मेरी अम्मी भी गई थी साथ में, नानी और अम्मी दोनों गई थी। तो ये भाई साहब इतना सारा सब्जी, ये देखिए बाकी ये भी एक थैला, ये भी एक थैला। सो फ्रेंड्स, मेरा आज एक सरप्राइज है, मेरी मदर का और मेरी बहन का आज कल बर्थडे है, तो आज रात में उनको सरप्राइज देने के लिए मैं जा रहा हूँ केक लेने के लिए। तो फटाफट जाते हैं, देखते हैं कि एक तो यहाँ पर जल्दी दुकानें बंद हो जाती है, तो नियर बाय अच्छा केक कहाँ मिलता है, तो जा रहा हूँ उसके लिए, उन लोगों के लिए केक लेने के लिए। तो फटाफट निकलते हैं। ये देखिए सामने कुशीनगर का गौतम बुद्ध का जो यहाँ पे स्तूफा वगैरह बना था, यहाँ पर ही आगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है कुशीनगर गोरखपुर के आगे। ये देखिए हमको जाना है आगे कसिया की तरफ। ये देखिए ये रास्ता जो सीधा चला जाता है, ये कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बना है, ये रास्ता चला जाता है, और ये रास्ता चला जाता है सीधे सिटी की तरफ जो कुशीनगर कसिया की तरफ चला जाता है, और ये पूरा एरिया कुशीनगर में ही पड़ता है। ये देखिए कसिया के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ की रौनक देखिए, और मेरे गांव में एकदम सन्नाटा 5 बजे के बाद से एकदम
छः बजे के बाद से मेरे गांव में एकदम सन्नाटा हो गया था। और यहाँ का वाइब देखिए आप, हमें जाना है सिद्धि बेकर्स में। ये देखिए ये केक अच्छा लग रहा है, ये वाला डिसाइड करता हूँ लेने के लिए। तो भाई मैंने केक ले लिया है और अब जा रहे घर की तरफ। केक रहेगा गाड़ी के अंदर। और अभी बज रहे, अभी हो रहा है टाइम 7:45। हाँ अभी हो रहा है टाइम हो रहा है 7:45 और केक गाड़ी में ही रहेगा। ठीक 12 बजे केक गाड़ी में से निकालूंगा और सबको सरप्राइज करूंगा, क्योंकि वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतने टाइम उनको केक मिल सकता है। तो सब लोग तो चलो बहुत एक्साइटमेंट में तो काम हो रहा है, बाकी आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ज़मीन पे, ये देखिए कुशीनगर जो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों का, ये देखिए गन्ना आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा गन्ना, क्योंकि चीनी मिल की तरफ ये सारे गन्ना जाते हैं। तो ये देखिए आपको गन्ने बहुत मिलेंगे, ये देखिए ऐसे ट्रक। और गन्ना खाने का मुझे इतना मन कर रहा है, करीब 10-15 साल के ऊपर हो गया है मैंने गन्ना ऐसे खाया नहीं है। तो अगर कहीं मिल जाता खड़ी गाड़ी तो मांग लेते भाई कि गन्ना अगर कोई देता है तो, अदरवाइज़ खेत में तो मिलेगा नहीं। अगर कहीं गाड़ी खड़ी मिली तो मैं ट्राई करूँगा कि गन्ना ले लूँ। तो फाइनली भाई लोग ये गन्ने की गाड़ी थी और एक अंकल थे बहुत अच्छे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। तो चाहता तो निकाल भी सकता था लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ गन्ने दे दीजिए प्लीज, तो उन्होंने दे दिया। ये देखिए ये पीछे रखा हुआ है, पीछे गाड़ी में रख लिया हूँ ये देखिए। तो फाइनली 12-15 साल के बाद ये अरमान भी पूरे हो रहे हैं गन्ना खाने के। तो चलिए चलते हैं और थैंक यू दादा बहुत बहुत आपको ये गन्ना देने के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बोथ ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। ये देखिए ठंड के मौसम में मेरे गांव में बारिश हो रही है, इतना खूबसूरत लग रहा है। वाकई में गांव की फीलिंग ही अलग होती है। ये बारिश हो रही है,